हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में 500 पॉइंट का अपर सर्किट देखा गया है और यहां तक कि दोस्तों लगभग दो या तीन दिनों से मार्केट में आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि मार्केट ने यहां पर बॉटम बना दिया है 7500 के आसपास? तो यही चीज़ के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने बॉटम बनाया है या थोड़ा और टाइम ले सकता है, या दोस्तों ये जो आपको रैली दिखाया जा रहा है या तो फेक हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर बॉटम बना दिया है 7500 के आसपास, तो यहाँ पर जम के खरीदारी होगी, लोग बहुत ज़्यादा मतलब खरीदारी करेंगे और अच्छा से अच्छा पैसा भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको हिडन न्यूज़ बता देना चाहता हूँ कि किस दम पे मार्केट भागा है और दो तीन दिनों से लगभग मतलब कंटिन्यू तेज़ी क्यों जारी है। तो देखिए दोस्तों, जो फैक्ट और डेटा है वही आप दिखाऊं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर दोस्तों व्हाट्स बिहाइंड रैली, ठीक है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों, यहां पर आपको बताया जा रहा है कि व्हाट्स बिहाइंड द रैली। तो दोस्तों आज के डेट में जो आपको यहां देख सकते हैं, सेंसेक्स में लगभग 1862 मतलब कि दोस्तों 1900 पॉइंट का आपको जो अपर सर्किट देखा गया है वो क्यों देखा गया, व्हाट्स बिहाइंड द रैली, ठीक है। ये रैली के पीछे रीजन क्या है, तो दोस्तों मैं आपको रीजन बता देता हूं, यहां पर नीचे दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम रीजन के आगे पढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों कि हेवी बाइंग इन RIL HDFC ट्विंस, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC ऐसे स्टॉक ने आज बहुत बड़ी तेजी दिखाई दोस्तों। रिलायंस ने मतलब रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया इंट्राडे का, दोस्तों 20% का अपर सर्किट दिखाया है, वो भी इंट्राडे में एक दिन का। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी राज भी है दोस्तों, कोई रिलायंस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी खरीदना चाहता, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि तेजी क्यों थी, ठीक है। तो यहाँ देख लो भाई, हेवी बाइंग इन रिलायंस इंडस्ट्री, एक मिनट यार, ठीक है, हेवी बाइंग इन रिलायंस इंडस्ट्री एंड द HDFC, ठीक है, और ट्विंस, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा, ठीक है, खरीदारी मतलब जितने बायर्स थे वो बहुत ज़्यादा हावी थे मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं वाज द बिगेस्ट फैक्टर, ये जो है दोस्तों यही तो चूज जो था, ये बिगेस्ट फैक्टर था। यहाँ पर साफ साफ ये भी लिखा हुआ है, देश थ्री स्क्रिप्ट अलोन, यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रीब्यूटेड नियरली 1100 पॉइंट, मतलब कि दोस्तों यही तीन चीज़ आपको निफ्टी सेंसेक्स को 1100 पॉइंट अपर मतलब वहाँ तक ले जाने तक हेल्प किया, कौन सा, यही तीनों चीज़, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब कि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री में फेसबुक, ठीक है, खरीदना चाहता है हिस्सेदारी, कितना का खरीदना चाहता है, तो दोस्तों वो 10% खरीदना चाहता है, ठीक है। और मैं आपको वजह भी बताऊंगा क्यों खरीदना चाहता है और इस टाइम में ही क्यों खरीदना चाहता है, जहां पर इतना मंदी हावी हो चुकी है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन फेसबुक क्यों खरीदना चाह रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों मास्टर माइंड नहीं, इसको बिजनेस माइंड बोलते हैं, ठीक है। मास्टर माइंड तो हर एक चीज़ में काम करता है, लेकिन बिजनेस माइंड दोस्तों एक पर्टिकुलर वे में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों क्यों खरीदना चाहता है, रिलायंस बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है, बहुत सस्ते भाव में दोस्तों रिलायंस ने लगभग 800 के आसपास मुझे लगता है लोएस्ट बना दिया था, ठीक है, और ये हाईएस्ट गया था दोस्तों 1600 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, आप सोच नहीं सकते दोस्तों, इतना अच्छा स्टॉक आपको 50% डिस्काउंट में अगर मिल जाएगा तो भाई कौन नहीं खरीदेगा, बताइए। अंबानी, अडानी, टाटा जैसे लोग हैं, अगर कल को कुछ दिक्कत भी आया तो मतलब ये लोग संभाल भी लेंगे, ठीक है। तो फेसबुक ने दोस्तों यही सब देखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट यार, 21% का जो तेज़ी देखा गया है ये आज बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, आज के डेट में 21% का तेज़ी, ठीक है। और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, फेसबुक इज़ टॉकिंग टू बाय ए 10% स्टेक इन रिलायंस जियो, ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, फेसबुक इज़ टॉकिंग टू बाय 10% यहाँ स्टेक इन रिलायंस एंड जियो, ठीक है। तो दोस्तों 10% खरीदना चाहते हैं, सोच सकते हो 10% बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों, FDI चाहे दो हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे जो भी है, उनको दोस्तों 2% खरीदने में सोचना पड़ता है, 0.5% भी खरीदने में उनको सोचना पड़ता है, ठीक है, 0.5% भी खरीदने में, लेकिन ये लोग दोस्तों डायरेक्ट 10% के लिए इतनी बड़ी रकम सोच रहे हो ना, तो रिलायंस के पास खुद का कितना बचेगा, 90% ही बच जाएगा, ठीक है।
तो एक बहुत बड़ी डिसीजन है और इसी के वजह से दोस्तों रिलायंस में आज के डेट में 20% का अपर सर्किट देखा गया और मार्केट को खींच के बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा 1100 पॉइंट, ठीक है। ऐसे दो स्टॉक HDFC और रिलायंस जैसे स्टॉक ने निफ्टी को, सेंसेक्स को ऊपर जाने में हेल्प किया। ये था दोस्तों पहला न्यूज़। अब हिडन न्यूज़ में आपको सामने लाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। उनकी ख़रीदारी का पैटर्न कैसा है, उनका बाइंग पैटर्न कैसा है, वो खरीद कैसे रहे हैं और बेच कैसे रहे हैं और इस टाइम में इस माहौल में वो क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं भाई। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फॉरेन, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट, आज का डेट कितना है दोस्तों, 25th है ना, आज 25th है, ठीक है, आज 25th है। तो आज के डेट में हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा तो बिकवाली के मूड में दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों 9000 ही है जो परचेस के मूड में है, ठीक है, परचेस के मूड में, ठीक है। और दोस्तों 11200 जो है उन्होंने सेल किया है, सेल किया है आज के डेट में भी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले ये जितने भी है दोस्तों ये सेलर हैं, ठीक है, ये सेलर हैं, लोग सेल करके मार्केट से निकल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये बायर है, ठीक है, ये बायर है। अब कहीं पर भी देख लीजिए, जब पहली बार हुआ था तो यहाँ पर देख लीजिए 10000 शेयर बेचे गए थे, ठीक है, खरीदे कितना गए थे, केवल 7000 खरीदे गए थे, फिर से 10000 बेचे गए, 6000 खरीदे गए, 11000 बेचे गए, 6000 खरीदे गए, ठीक है। और फिर उसके बाद देख सकते हैं 11000 बेचे गए, 6000। तो जो भी है दोस्तों यहाँ पर बिकवाली का मामला ज़्यादा सामने आपके सामने आ रहा, ठीक है, और जो यहाँ पर आपके सामने बताया जा रहा है ये भी आपके सामने, ठीक है। लेकिन ये तो था दोस्तों डोमेस्टिक फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डोमेस्टिक हमारे इंडिया वाले के आसपास जो भी हैं दोस्तों उनका खरीदारी करने का पैटर्न क्या चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों ने यहाँ पर आज के डेट में जम के ख़रीदारी की, क्योंकि आज मार्केट में भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा रैली देखा गया था, 2 से 3 दिन में कंटिन्यू अच्छा से अच्छा रैली देखा गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग थोड़ी बहुत ख़रीदारी तो अच्छी तरीके से की जा रही है, लेकिन आज के डेट में भी हम देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, कितना है, 737 के आसपास है। तो ये क्यों खरीद रहे हैं, वो भी उसके पीछे रीज़न है। अब सोचिए कि रिलायंस में आपको देखिए, जैसे आज के डेट में रिलायंस की वजह से मार्केट भागा, रिलायंस आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। लोग ये भी बोल सकते हैं आंख बंद करके रिलायंस इंडस्ट्री को खरीद लो, जरूर प्रॉफिट देगा, जरूर प्रॉफिट देगा, जरूर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब तक कोरोना शांत नहीं हो जाता तब तक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो एक कोरोना की वजह से खरीदने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ लोग हैं जो खरीदारी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, उसी की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट में अभी गिरावट होना बाकी है, ठीक है। तो ये न्यूज़ के दम पर मार्केट भागा है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत रुकना चाहिए, ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं। जब तक वायरस का कोई वैक्सीन या मेडिसिन नहीं आ जाता थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेशेंस कर लीजिए, और भी अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पर आपको स्टॉक मिलेंगे और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी देख सकते हो मैंने कुछ देर पहले ही एक वीडियो अपलोड मारा है दोस्तों, जिसमें मैंने बताया है कि मतलब अब थोड़ा मतलब एक ऐसे ही मतलब बताया है कि आप चाय पीना छोड़ दो और ये 2 शेयर खरीद लो, मतलब भाव को समझो। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक आपको सस्ते से सस्ते वैल्यूएशन पे मिले दोस्तों। एक 5 रुपीज़ का स्टॉक है, वो भी बैंक का शेयर है। मैं बैंक का शेयर इसलिए बोला क्योंकि RBI चाहे जो भी हो बैंक को डूबने नहीं देगा, और 5 रुपये में आपको बैंक का शेयर कहीं भी नहीं मिलेगा। आप सोच लो बैंक का शेयर कौन सा बैंक का, अभी देखिए ये येस बैंक ही कितना आ गया था 5 रुपये में, फिर 70 रुपये तक हाई चला गया था, ठीक है। और उसके बाद 2 रुपये में एक है दोस्तों आइडिया, ठीक है। तो मैं ये वीडियो आप जरूर देख लो, या आपके लिए अगर आप देखना चाहते हो किसी शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो जो आपको छोटे से छोटे प्राइस में मिल रहा हो और अच्छे वैल्यूएशन में, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है, हमारे चैनल में अपलोड है, आप जाके प्रोफाइल में देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।